दूसरी लहर की पीक को लेकर अलग अलग राय है, कोई एक मुश्त नहीं बता सकता कि दूसरी लहर कब खत्म होगी, लेकिन एक बात है जिसे लेकर सब एक मत है, वो ये कि कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन जरूरी है। इस एक हफ्ते में कोरोना वैक्सीन से जुड़ी तमाम खबरें आई हैं, वो सब हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले बात करते हैं वैक्सीन की आपूर्ति की। देश में वैक्सीन की कितनी कमी है, कितना बड़ा संकट है, कैसी मारामारी है, ये पूरा देश देख रहा है। बड़े से बड़े और छोटे से छोटे शहर का वही हाल, रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो वैक्सीनेशन का स्लॉट नहीं मिलता, स्लॉट मिलता है तो कैंसिल हो जाता है। हम वैक्सीन लगवाने के लिए आए थे और ये इन्होंने गेट बंद कर दिए यहाँ पे और कहते वैक्सीन खत्म हो चुकी है। इतनी दूर से लोग आ रहे हैं, धूप में, गर्मी में, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सब आ रहे हैं, परेशान हो रही है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं वैक्सीनेशन के लिए, लेकिन पिछले 5 दिनों से रोज रजिस्ट्रेशन के बाद अपॉइंटमेंट के लिए ट्राई कर रहे हैं पर अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहा। हमने 4-5 दिन से ट्राई कर रहा था पर स्लॉट बुक नहीं हो जा रहा था, 1 मिनट में स्लॉट बुक हो जा रहा था। जो फ्रेंड्स वगैरह उनको भी स्लॉट्स नहीं मिल रहे हैं, मतलब लखनऊ वाले, तो मतलब काफी दिक्कत हो रही है। मतलब स्लॉट्स तो बढ़ाने ही चाहिए जिससे जल्दी जल्दी वैक्सीनेशन हो। वैक्सीनेशन डोजेस बहुत कम है तो शुरू में आपको टाइम लग जा रहा है। काउंटर बंद, डॉक्टर गए, सब गए कि वैक्सीन खत्म हो गया, रजिस्ट्रेशन बंद हो गया, 5-5 घंटे से लोग लाइन में खड़े हैं। बहुत ज्यादा, हमने कम से कम 10 दिन हो गए मुझे ये देखते हुए कि अपॉइंटमेंट मिल जाए, बिना अपॉइंटमेंट के तो कहीं पे जाना भी बेकार है, तो इसीलिए हम लोग बहुत मुश्किल से कल रात को 12 बजे मुझे अपॉइंटमेंट का स्लॉट मिला तो उसके बाद कन्फर्म हुआ। 18 प्लस आबादी के लिए पहली डोज आसानी से मिल नहीं रही, 45 प्लस वालों को दूसरी डोज देने के लिए मारामारी है। 18 प्लस आबादी का टीकाकरण बड़े जोर शोर से शुरू हुआ था लेकिन 2 हफ्ते में ही अभियान लड़खड़ा गया। कहीं कहीं 18 प्लस आबादी का टीकाकरण स्थगित करना पड़ा है तो कहीं शुरू ही नहीं हो पाया। केंद्र सरकार जिस प्रकार से फ्रंटलाइन और हेल्थ वर्कर को फ्री में वैक्सीन दिए थे उसी प्रकार देश को के आम नागरिकों के लिए भी ये फैसला होना था, लेकिन राज्यों पे छोड़ा गया और राज्य ने फैसला किया कि हम अपने राज्य के नागरिकों को इस प्रकार से नहीं छोड़ सकते और राज्यों ने फिर भार उठाने के लिए फैसला लिया है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वैक्सीन की उपलब्धता न्यून है और ऐसी स्थिति में सभी नागरिकों को वैक्सीन मिल पाए ये दूर की कौड़ी नज़र आ रही है। इसमें तेजी लानी चाहिए, इसमें योजनाबद्ध ढंग से काम करने की आवश्यकता है क्योंकि वैज्ञानिक अब ये भी कह रहे हैं कि तीसरी लहर भी आएगी तो उसकी भी तैयारी हम लोगों को करना चाहिए। सरकार ने दावा किया है कि अगस्त और दिसंबर के बीच 5 महीने में 216 करोड़ डोज देश में उपलब्ध होंगे जिससे पूरी आबादी का टीकाकरण किया जा सकता है। इसमें 75 करोड़ डोज कोविशील्ड के, 55 करोड़ डोज कोवैक्सीन के उपलब्ध होंगे। इसके अलावा अगस्त में बायोलॉजिकल ई की वैक्सीन लॉन्च होगी जिसके 30 करोड़ डोज उपलब्ध होंगे। इसके साथ जाइडस कैडिला की आने वाली कोरोना वैक्सीन के 5 करोड़ डोज, अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स के 20 करोड़ डोज मिल जाएंगे। तब तक भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन भी आ जाएगी जिसके 10 करोड़ डोज उपलब्ध होंगे। इसके अलावा देसी फार्मा कंपनी जिनोवा की वैक्सीन के 6 करोड़ डोज उपलब्ध होंगे। अगस्त से दिसंबर के बीच स्पुतनिक वी के 15 करोड़ 60 लाख डोज उपलब्ध होंगे। अगले हफ्ते से स्पुतनिक वैक्सीन की मार्केट में बिक्री भी होने लगेगी। रूस से स्पुतनिक वी के टीकों की 2 खेप भारत आ चुकी है। पहली खेप में 1.5 लाख टीके आए थे जिन्हें अब मार्केट में उतारने का फैसला हुआ है। ऐसे वक्त में जब दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव की स्पीड वैक्सीन की कमी से घटती चली जा रही है और वैक्सीन की डिमांड और सप्लाई का गैप तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, तब कोविशील्ड की दोनों डोज के बीच का गैप बढ़ा देने की सिफारिश को सरकार ने मंजूरी दे दी है।